नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने भतीजा चिराग पासवान से रिश्ता सुधारना चाहते हैं। बता दें कि लगातार दोनों में काफी दिनों से मतभेद चल रहा था पार्टी और विरासत को लेकर, लेकिन अब जो है पशुपति कुमार पारस अपने चिराग पासवान भतीजा को कह रहे हैं कि वो तो हमारा खून है, वो हमारा बच्चा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार के पारस काफी जो है उन चिराग पासवान से उनकी नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब जो है वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता सुधरे और दोनों साथ में आए। ऐसे में आपको बता दें कि पशुपति पारस अपने भतीजा यानी चिराग पासवान से रिश्ता सुधारने की भी बातें कही है। वो चाहते हैं कि चिराग और उनके बीच के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल जाए। इस बात की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। दरअसल ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। एक वक्त था जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपने साथ ले लिया था। चिराग पासवान ने उनके पिता की बनाई हुई पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया था। अब उन्हें चिराग पासवान जो है वो अपना बच्चा नजर आ रहे हैं और पशुपति पारस और रिश्तों की दुहाई भी देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को उन्होंने गोद में खिलाया है। वो अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को पिता के समान और भगवान के स्वरूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो धार्मिक विचार के हैं और रामविलास पासवान को अपना भगवान मानते हैं। रोज सुबह नहा धोकर अपने पिता और भाई की तस्वीरों की पूजा करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मिल बैठकर बात करें तो परिवार एक हो सकता है। बता दें कि एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान चाहे तो रिश्ते में आई खटास को खत्म किया जा सकता है, परिवार एक हो सकता है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खून खून होता है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस के इस बात का कुछ अंश सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिस पर उनके चाहने वाले और समर्थकों ने अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी। ऐसे में बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत की जंग शुरू हुई थी। उस वक्त चिराग पासवान को पशुपति पारस ने एकदम से अकेला कर दिया था, पूरी पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया था। चिराग पासवान को बिना बताए उनके तमाम सांसदों को अपने साथ लेकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना अधिकार जता लिया था। इस दौरान चाचा और भतीजे के बीच इतनी ज्यादा तल्खी कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मुझे अफसोस है कि वो हमारे परिवार का खून है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने से भी इनकार करते हुए भी नजर आए थे और मर जाने तक की कामना कर डाली थी। ऐसे में आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में सीट बंटवारे में बिहार में 5 सीटें मिली थी। इनमें से सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए की सीट बंटवारे से बेदखल कर दिया गया। यही पार्टी पशुपति पारस की थी, जो रामविलास के निधन के बाद दो भाग में बट गई थी। सीट बंटवारे के दौरान भी चाचा और भतीजे के बीच काफी जुबानी जंग चली थी। सीट बंटवारे के दौरान पशुपति पारस लगातार हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली की सीटों पर अपना दावा करते रहते थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को राजनीति में पछाड़ दिया। फिलहाल उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वह स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। वही चाचा पशुपति पारस और उनके बेटे प्रिंस पासवान अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। वही चिराग पासवान ने अपनी विरासत में एक बार फिर से संभाल ली है। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल रहा है। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री है। पशुपति पारस बिहार की राजनीति से लगभग बेदखल हो चुके हैं। केंद्र की सत्ता में भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार सरकार की तरफ से भी उन्हें दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया था। राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि पशुपति पारस अब अपने और अपने बेटे प्रिंस पासवान की राजनीतिक करियर को बचाने के लिए एक बार फिर से चिराग पासवान के सामने घुटने टेकने को तैयार बैठे हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने भतीजा चिराग पासवान से रिश्ता सुधारना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि काफी दिनों से दोनों के बीच जो था वो मतभेद चल रहा था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अब पशुपति कुमार पारस जो है राजनीति से बेदखल हो चुके हैं, तो अब चिराग पासवान की घुटने तक तले के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 सीटों पर उनकी जीत हासिल हुई थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस की बात की जाए तो उनकी तो राजनीति से लगभग बेदखल हो चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब वो चाहते हैं कि चिराग पासवान से उनकी रिश्ता जो है वो मधुर हो जाए और चिराग पासवान एक साथ बैठकर बातें करें तो परिवार में सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।